नमस्कार। आज ये हमारा रेडियो नंबर 23, रेडियो नंबर 30 है। मोडल्स हमारे जारी थे, उनको जारी रखते हैं। आज मैं बता रहा हूं मैं के बारे में। मैं परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए मैं आता है। कैन भी आ सकता है। मैं शब्द पोलाइट है, विनम्र है, कर्टियस, सभ्यता सूचक, शिष्टाचार सूचक, शिष्टाचार पोलाइट शब्द है। मे आई कमिंग सर, ऐसे पूछते हैं क्लास में आने पहले टीचर पूछते हैं। मे आई कमिंग सर, यू मे गो नाउ। कैन भी आ सकता है। मे पोलाइट है, विनम्र शब्द है। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए मे आता है। ऑपरेटिव वाक्य में मंगल कामना सूचक वाक्य, भगवान तुम्हारा बड़ा करे, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, भगवान करे आप सफल हो जाए। मे यू लिव लॉन्ग। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे। मे आता मंगल सूचक, संभावना में आता, में काफी संभावना होती है। ही मे कम इन द इवनिंग, ही मे अटेंड द पार्टी, इट मे रेन इन द इवनिंग, बादल छाए हैं, बारिश होने काफी संभावना, मे आ जाएगा। में संभावना काफी होती है। विल के अंदर पूरी संभावना होती है, उसके बाद में काफी संभावना होती है। हे मे पास द एग्जामिनेशन, काफी उम्मीद है। इस तरह से मैं आता था, उम्मीद ज्यादा हो, संभावना ज्यादा हो। परमिशन लेने के लिए, देने के लिए मैं आता है। पोलाइट शब्द है, कर्टियस है, विनम्र शब्द है। मंगल सूचक वाक्य में मैं आता है, मैं ये ले लूंगा, संभावना के लिए मैं इस्तेमाल होता है। उसके बाद माइट आता है। माइट मे के सेकेंड फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस मे का। इनडायरेक्ट स्पीच में मे माइट में बदल जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में मे शब्द माइट में बदल जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में मे शब्द माइट में बदल जाता है। माइट कम संभावना आता है। सी हैज नॉट वर्क हार्ड येट, सी माइट पास द एग्जामिनेशन, सी माइट पास द एग्जामिनेशन, उसने कठिन मेहनत तो नहीं किया, शायद परीक्षा में पास हो जाए। तुक्के से भी पास हो जाते हैं। दो हिज ए माइजर, हालांकि कंजूस है, माइजर माने कंजूस, दो हिज ए माइजर येट He might lend you some money। हालांकि है तो वह कंजूस, लेकिन फिर भी शायद कुछ रुपया उधार दे। माइट कम संभावना आता है। में संभावना ज्यादा होती है, माइट में संभावना कम होती है। अब आते हैं ought to, should, must। ये मैं पहले बता चुका हूं, अब क्विक रिविजन एक बार से रिवाइज बना देता हूं। ought to विनम्र स्वर, विनम्र स्वर अपने बड़ों से कह सकते हैं, अपने सीनियर को, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, बड़ा नम्र निवेदन होता है। वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। एल्डर्स बुजुर्ग आदमी, हमारे सीनियर आदमी जितने भी है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं करते। कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कानून नहीं है कि बुजुर्गों को, बड़ों को नमस्ते करनी है, पैर छूने, इज्जत करनी है, कोई कंपल्सन नहीं है। वी आर टू लव अवर नेबर्स, वी आर टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, कोई कानून नहीं है, कोई सजा नहीं है, प्यार करें ना करें। यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, टीचर्स का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आजकल वो बात नहीं है, कोई करे ना करे, दिल से इज्जत करे ना करे। वी आर टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, तो ये विनम्र सलाह होती है, इसमें ज्यादा फोर्स कंपल्सन वगैरह कुछ नहीं होता। शुड ऐसी सलाह होती है, ये सलाह शुड माने चाहिए, आर टू माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए। टू चाहिए, शुड चाहिए, मस्ट चाहिए, तीनों का मतलब चाहिए। शुड सामने वाले की इच्छा पूछी जाती है, सामने के वाले की इच्छा पूछने के लिए शैल और शुड, शैल और शुड में से कोई भी शब्द रख सकता है सामने वाले की इच्छा पूछने के लिए। शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, शुड आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। शुड इफ की जगह भी इस्तेमाल होता है, इफ की जगह कंडीशन में। शुड यू गो टू द मार्केट, ब्रिंग ए पेन फॉर मी, शुड यू गो टू द मार्केट, ब्रिंग ए पेन फॉर मी, इफ यू गो टू द मार्केट, शुड आता है इफ की जगह।
तो इसकी जगह सुर का प्रयोग हो जाता है सामने वाले की इच्छा जाने के लिए शैल या सुर में से कोई शब्द रख सकता है। सुर चाहिए में आता है यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड डू योगा, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट टीच अदर्स। ये नेक सलाह होती है अपने से बराबर उम्र के लोगों को, अपने समान स्तर समान दर्जा मिलती जुलती उम्र हो। ये न ज्यादा इसमें विनम्रता होती न ज्यादा दबाव होता, न ज्यादा नम्र है न ज्यादा दबाव है, ना फोर्स है ना पोलाइट रिक्वेस्ट है। ये एक सीधे साधे सलाह कोई माने ना माने। उसके बाद मस्ट आता है, मस्ट कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है, फोर्स होता है, दबाव होता है। जैसे वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। हमें देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, पनिशमेंट हो जाएगी। वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड्स। सड़क के नियम मानने चाहिए, नहीं मानेंगे पुलिस चालान कर देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जरूरी होता तो मस्ट आता है। ही मस्ट अटेंड द पार्टी, ही मस्ट अटेंड द मीटिंग, उसको मीटिंग अटेंड करनी होगी, जरूरी है, जरूरी है। ही मस्ट अटेंड द मीटिंग, उसको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। यू मस्ट गो टू जयपुर, यू मस्ट गो टू जयपुर, तुम्हें जयपुर जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। जो जरूरी हो कंपल्सन हो दबाव हो फोर्स हो मस्ट आता है। मोस्ट संभावना में अंदाजे में भी आता है, मोस्ट संभावना में अंदाजे में भी आता है, इसमें दलील साथ में दी जाती है। ग्रीमा विल बी स्लीपिंग इन हर रूम, ग्रीमा मस्ट बी स्लीपिंग इन हर रूम बिकॉज द फैन इज रनिंग एंड द लाइट इज ऑफ। ग्रीमा मस्ट बी स्लीपिंग इन हर रूम, ग्रीमा मस्ट बी स्लीपिंग इन हर रूम। ग्रीमा अपने कमरे में सो रही होगी, अंदाजा है, संभावना। कैसे पता लगा? बिकॉज द फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, एंड द लाइट इज ऑफ। ये दलील है, आर्गुमेंट है। आपको कैसे पता लगा ग्रीमा सो रही होगी? बिकॉज द फैन इज रनिंग एंड द लाइट इज ऑफ। ये दलील दिए साथ में उसने अपनी, ये बताने के लिए कि ग्रीमा अपने कमरे में सो रही होगी। ग्रीमा मस्ट बी स्लीपिंग इन हर रूम, या मस्ट आ जाएगा। जहां संभावना ज्यादा होती है दलील दी जाती है साथ में अपनी बात को सच साबित करने के लिए, या कोई चीज जरूरी हो, कोई ऑर्डर जरूरी हो, किसी बात को मानना जरूरी हो, वहां मस्ट आता है। आठ के साथ टू जरूर लगता है। आठ टू शोर्ट मस्ट, तीनों का मतलब सही है। आठ टू विनम्र रिक्वेस्ट है, पोलाइट शब्द है, शुड मध्यम दर्जे का है, ना विनती है ना दबाव है, मस्ट में फोर्स दबाव होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।